हम यहाँ आए हैं क्योंकि हरियाणा में जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं उनके साथ सरकार जो है वो बहुत जुल्म कर रही है। सारे देश जानता है कि मोदी सरकार हमेशा से झूठे वायदे और झूठे नारे देती रही है और ये काफी पॉपुलर नारा है मोदी जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम सब जानते हैं कि देश में बेटियां कैसे बच रही हैं और कैसे पढ़ रही हैं। हमारा कोविड में 24 घंटे का काम था, हमें रात को 2 बजे भी कॉल आ जाता था कि दीदी हमारा ये घर पे ये प्रॉब्लम हो गई, आप यहाँ आ जाओ। और वेतन की बात करें तो हमारी जब हड़ताल हुई थी हमें 1000 रुपए का बोला गया था कि 1000 रुपए हम आशा वर्कर को देंगे मंथली, पर हमें वो 4-5 महीने ही मिला कोविड में, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। वो सिर्फ बातें करते हैं, कहते हैं पर करते कुछ नहीं। करते तो वो दमन की नीतियों का पालन करते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, दमन की नीतियाँ चलती हैं। आज जंतर मंतर में स्कीम वर्कर्स यानी आंगनवाड़ी मिड डे मील और आशा वर्कर्स की एक बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है। इन कर्मियों में ज्यादातर महिलाएं हैं जो पिछड़े और ग्रामीण वर्गों की पोषण जरूरतों का और प्राथमिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से यानी कोविड के दौरान इन्होंने किसी भी सरकारी बचाव किट या बीमा के काम किया है। आज तक फिर भी लगातार सरकारें इन्हें एम्प्लॉयज के रूप में नहीं वॉलंटियर्स के रूप में देखती है। यह महिलाएं यहाँ पर आज अपना हक मांगने आई है। आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या है। इन डिफरेंट स्टेट्स Already struggles are going on for the scheme workers. For example, now in Haryana, for more than 3 months, the Anganwadi workers are in struggle. Ashas were also on struggle. In Punjab also, they were on struggle. Only recently, the government has announced something before the election, so they are. Madhya Pradesh, Asha and Anganwadi workers are on struggle. In Andhra Pradesh, in many other states, they are on struggle. आज के दिन जो है जबरदस्त संघर्ष सड़कों पे चले हुए हैं और हरियाणा की सरकार ने जिसका भी नारा है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं शोषण की अत्याचार की जो आंदोलनों को कुचलने की। तो हरियाणा की जो बेटियां हैं आज वो ये महसूस कर रही हैं कि ये नारे निहायत झूठे वायदे हैं, नारे हैं और इनके अंदर कोई तंत्र नहीं है, लेकिन हम लड़ाकू लोग हैं और हम अपने हक और अधिकार को लेके ही दम लेंगे, हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे। कोविड चला था जिस टाइम पे तो पहले तो बोला गया था कि कोविड में सभी घर रहेंगे, पर आशा वर्कर थी एक ऐसी थी जो फील्ड में उतरी हुई थी, जो निचले स्तर पर घर घर जाकर कोविड में काम कर रही थी, लोगों से फेस टू फेस बातें कर रही थी, उनको बता रही थी कि कोविड में अपने घर बच्चों को सेफ रखें, कैसे रहना है वहाँ पे, किस तरीके से अपने घर को साफ सुरक्षित रखना है। और वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों का हमें काम दिया जाता है, जो हमारा काम होता है, उसमें हमें बोला गया था कि कोविड में आपको जाकर बात करना है। उस टाइम पे हमने कोविड पेशेंटों के साथ बैठ काम किया है। कोविड क्या सिर्फ औरों के लिए था, हमारे लिए नहीं था, हम भी तो आम जनता है सरकार के लिए। जब मोदी ने बोला है कि सब अपने घर में रहे तो फिर हमें क्यों काम पे उतारा गया था। द मेन डिमांड इज रिकॉग्निशन एज वर्कर्स, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, एंड दीज डिमांड्स हैव बीन रेज्ड सिंस लॉन्ग इयर्स एंड द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हैज एग्रीड टू दैट। Despite that, successive governments have not done anything. But in addition to that, they are trying to suppress this. In Delhi, you know, ESMA has been used on Anganwadi workers. And in similarly, they are being subjected to house arrest. Even when they want to go out for a dharna or a procession, they are not allowed to come outside. That we have seen in Andhra Pradesh, in Telangana, now in Madhya Pradesh, in many other states. Not only they, but even their family members are taken to the police station, so they are trying to suppress them. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो एक ढोंग है, ये लूटने का बहाना बना रखा है। हमारी बस को भी मुंडका स्टेशन के पास रोक लिया गया था, तो बोलते हैं आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो हमने बोला हम तो जाएंगे, हमने तो बैठना ही है, आप नहीं जाने दोगे तो यहीं बैठ जाएंगे सड़क पर। हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, बस थी 52 सीटर, तो वो हमने बोला हम पैदल जाएं, ऑटो से जाएं, बस रख लो, आते वक्त हम ले लेंगे अपनी बस, पर हम जाएंगे। निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया है तो आप सब ने सुना होगा कि उसमें कहा है कि 2 लाख आंगनबाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको वो अपग्रेड करके प्लेवे स्कूल में डाल रही हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हरियाणा के भी 4000 जो है सेंटर्स हमारे जो आंगनबाड़ी के हैं, टोटल 26000 हैं, उनमें से 4000 को वो अपग्रेड करके प्लेवे स्कूल बना रहे हैं। प्लेवे स्कूल से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा विरोध ये है कि आंगनबाड़ी की वर्कर्स जो 0 से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा और पूर्व
लोग पोषाहार दे रही हैं, एक तो इस योजना पे ताला लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, मान भत्ता मिलता है, उसमें भी हमें दो किस्तों में मिलता है, एक स्टेट देता है एक सेंटर देता है। स्टेट ने तो हमारा बढ़ा दिया थोड़ा, लेकिन सेंटर ने तो 3-4-5 सालों से कुछ भी नहीं बढ़ाया। सबसे गरीब तबका जो है वो मिड डे मील में लगा हुआ है, सबसे गरीब जो महिलाएं हैं वो आशा वर्कर लगी हुई हैं आंगनवाड़ी में, क्योंकि कम वेतन पे, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, इसीलिए इस काम को करने के लिए महिलाओं को मजबूर है, जबकि उनको मजदूरी का भी दर्जा नहीं है, कर्मचारी का तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम मजदूरी महिलाओं को मिलनी चाहिए। तो हमारी तो यही मांग है सरकार से, जब तक इनको कर्मचारी नहीं बनाते, कम से कम 10-15 हजार तो मिनिमम मिड डे मील का होना चाहिए, आशा का होना चाहिए, आंगनवाड़ी को भी कम से कम, मतलब जीने लायक। आप दो जो 24 हजार की मांग है उसमें से 20 तो दो कम से कम, जिससे कि अपने बच्चों का गुजारा कर सके। सरकार जो है एक तरफ तो ये कहती है कि जो सर्विस है आशा वर्कर्स की वो एसेंशियल सर्विस है, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप धरना नहीं लगा सकते, आप हड़ताल करेंगे तो आपके जो हड़ताल पे हम एस्मा लगा देंगे, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जब हम उनसे वेतन की डिमांड कर रहे हैं तो उस वक्त में हमें कहा जा रहा है कि ये तो जो है आप तो वॉलंटियर हैं, आप स्वयं सेवी हैं, तो स्वयं सेवी होने के नाते हम आपको वेतन नहीं देंगे। तो आज हम यहाँ दिल्ली में संसद में अपनी ये बात पहुँचाने के लिए आए हैं कि सरकार ये दोगली बातें मत करो, कि आप एक तरफ तो हमारी जो सेवाएं उनको एसेंशियल कहो और फिर आप दूसरी तरफ ये कहो कि आप स्वयं सेवी हैं। हम आज यहाँ पे अपना हक और अधिकार की बात उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मांगे थी जो थी कि हमारा जो 25,000 रुपए हमारी सैलरी करी जाए मंथली, फिक्स वेतन किया जाए हमारा, और जो हमारी पीपीएफ जो कटता है पी, वो भी हमें दिया जाए, हमारी जो जीवन बीमा योजना है वो भी हमें दी जाए, क्योंकि हमारी एक साथी का एक्सीडेंट हो गया था, हमें बोला गया था कि आपको बीमा का पैसा मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंटल पैसा हमें कोई नहीं दिया जाता, और जो हमारी पीएफआई की और सामाजिक सुरक्षा दी जाए हमें, क्योंकि हमारा काम रात को भी होता है और हमें अपने घर से अकेले जाना पड़ता है, पर हमारे पास कोई सुविधा नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारे कई आशा वर्करों के साथ ऐसा हो चुका है, जो बुरे काम होते हैं वो कर चुके हैं लोग, और इसीलिए हमें रात को घर से निकलने में हमारे घर वाले अलाउ भी नहीं करते हैं। हमारी जो राज्यसभा का एमपी जो सीएचयू का सेक्रेटरी भी है अलमरम करीम और एमए आरिफ, तो उन्होंने संसद में ये सवाल भी उठाया था आज का प्रोटेस्ट का, तो उन्होंने मंत्रियों से अपॉइंटमेंट भी मांगा है, तो आज स्मृति ईरानी जो डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर है उनसे हम जाके मिले हैं उनके दफ्तर में, और वो हमारी मांग पत्र दिया है, और ये बजट में पैसा बढ़ाने का, और क्योंकि 2018 के बाद में एक पैसा नहीं बढ़ोतरी हुआ और वो भी बहुत सारे राज्यों में लागू नहीं है, और अन्य सवाल भी आया था कि पोषण ट्रैकर के सवाल पे या इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पे वर्कर्स को जो तंग करने के बारे में ये सारा, तो उन्होंने एक ही जो चीज में जो पूरा केंद्र सरकार का अपना जो पॉलिसी है उन्होंने बताया कि ये राज्य सरकारों को ही हमने पैसा दे दिया, तो ये उनके ऊपर है कि वो पैसा बढ़ाए, आप तो हम पैसा ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं कर सकते, वही बात है। लेकिन कुछ सामाजिक सुरक्षा के बारे में उन्होंने बोला है कि हम उसके बारे में कुछ कदम उठा रहे हैं, और ये कोरोना का ड्यूटी का इंश्योरेंस ये वगैरह के बारे में उन्होंने बताया है, जो कुछ इस तरीके का जो आश्वासन या उसका दम उठा रहे बाला बोला, लेकिन बुनियादी चीजों में उन्होंने साफ साफ किया है कि हम लोग यही है कि ये जो योजना रहेगा और उसमें तनख्वाह वाला बात ही नहीं उठते हैं। सो इट इज बेसिकली अगेंस्ट दीज पॉलिसीज एंड ऑल्सो to intensify the preparation for the 28th and 29th March 2-day strike called by the Joint Trade Union Platform. We want that the demands of the strike, the issues behind the demands of the strike, their relationship with the policies being pursued by the government and why they are not being implemented, why they are not being met. This type of campaign we are trying to carry out all over the country and to motivate the Anganwadi workers, helpers and ashras and midday meal workers here. They will go back to the villages and campaign for the success of the strike.